आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल वेलकम और वेलकम बैक टू माई चैनल माई नेम इज सिमजन आज का वीडियो इज गोइंग टू तो बबाउट वी री यूजिंग योर क्लोथ्स जो कपड़े ऑलरेडी हमारे पास एंड आज का टॉपिक होने वाला है यूजिंग एन ओल्ड लहंगा एंड क्रिएटिंग फ्यू डिफरेंट लुक्स सो मैंने यहाँ पर चार लुक्स क्रिएट किए हैं यूजिंग अ सिम्पल लहंगा वेल लेट्स टॉक अबाउट एंड प्रेज दिस लहंगा फर्स्ट ये मेरी मौसी का लहंगा है एंड इट इज अराउंड ट्वेंटी फाइव ईयर्स ओल्ड ना दिसंबर में उनकी शादी को पच्चीस साल हो गए हैं सो इसकी उम्र भी उतनी ही है सो लुक हाउ ब्यूटिफुल दिस लहंगा इज दिस इज द स्कर्ट सेक्शन इसकी ब्यूटी देखो आप कितना सुंदर काम है एंड आई लव द कलर बट आई बड़ी सरप्राइज की उस वक्त पे भी लोग इस कलर के लहंगे पहना करते थे एंड इट हैज दिस रेड कलर पैच वर्क गोइंग ऑन जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है तो so इतने सालों तक इसको प्रिजर्व करके रखना इज़ अ बिग डील बट बहुत ही ज़्यादा सुंदर लहँगा है ये एंड ब्यूटीफुल वर्क गोइंग ऑन इसमें घेर तो है बट उस टाइम पे कैन नहीं आती थी वो नहीं है तो उनका ब्लाउज भी एकदम इंटैक्ट है रेड कलर का बहुत ही खूबसूरत सा ब्लाउज है आई मीन आई लव दिस रेड ये वाला रेड मेरा फेवरेट है आई थिंक दिस इज चेरी रेड आई गेस और इस पर ना यहाँ पर सिर्फ स्लीवस पर वर्क दिया गया इट इज सच अ ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल ब्लाउज आई मीन आई रियली लव द ब्लाउज और उसके अलावा इसमें जो दुपट्टा है वो कुछ ऐसा है और सबसे अच्छी बात और अमेजिंग चीज़ ये है कि इनके दुपट्टे की जो किरण है वो अभी तक बिल्कुल इंटैक्ट है तो सोचो कितना सहेज के ये लहंगा रखा गया है तो एज़ कम्पेयर टू मेरी मम्मी जो मेरी मम्मी का लहंगा है उन्होंने तो उसकी बैंड बजाई हुई है बट मेरी मौसी ने इसको बहुत अच्छे से रखा है सो दैट्स हाउ इट लुक्स लाइक एंड इट हैज़ ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल दुपट्टा और बहुत ही प्यारा सा सुंदर सा डिज़ाइन है एकदम दैट आई रियली रियली लाइक उस टाइम का अगर आप वर्क ध्यान से देखो तो उसमें बहुत ही मोटा धागा यूज़ किया गया फिर उस पर इन्होंने ऊपर से हाथ से सिलाई करी गई है तो और इसमें साथ में ये इसमें दबके का काम भी है जो कि दबके की कढ़ाई जैसे कहते हैं जो मैरिड वुमेन है उनके पास उनका जो वेडिंग लहंगा होता है वो बहुत स्पेशल होता है एंड दे ऑलवेज ट्राई टू री वेयर इट री स्टाइल इट तो आज मैं आपको चार तरीके दिखाऊंगी किस तरीके से आप अपने पुराने डिज़ाइन के लहंगे को स्टाइल कर सकते हैं तो आजकल विंटर सीजन चल रहा है स्किन का डल होना डार्क होना बहुत नॉर्मल है तो बहुत रुखी रूखी सी त्वचा हो जाती है एंड इट फील्स वेरी बैड जब भी आप कुछ प्रोडक्ट लगाते हो अपने फेस पे फाउंडेशन अच्छे से नहीं टिक पाता है एंड नॉर्मल लाइफ में भी अच्छा नहीं लगता बिकॉज इट्स अ वेडिंग सीजन तो एक अच्छा सा ग्लो सबको चाहिए होता है अपने फेस पर एंड वेलेंटाइंस डे वीक इज इजसो कमिंग आप कुछ भी लगा लो कोल्ड क्रीम लगा लो कुछ भी लगा लो लेकिन वो अलग ग्लो नहीं आ पाता है स्किन डल हो ही जाती है विंटर्स में सो करेंटली आई एम यूजिंग दिस वासु का फेशियल ब्यूटी ऑयल विच इज़ एज रिवाइडिलाइजिंग हंड्रेड परसेंट नेचुरल ऑयल इट इज़ एनरिस्ड विद कुमकुम आदि तेलम एंड दिस इज अ वेरी नाइस फॉर्मुलशन ऑल यू हैव टू डू इज थोड़े से ड्रॉप्स लेने हैं अपने फेस पर अच्छे से अप्लाई करना है एंड आई एम यूजिंग ए टू टाइम्स एक तो मेकअप से पहले फॉर द बेस उससे क्या होता है कि स्किन बहुत अच्छे से नरिश हो जाती है और जब आप अपना फाउंडेशन ऊपर से लगाते हो इट ग्लाइड ऑन टू योर स्किन मतलब एक बहुत अच्छा कैनवस उसको मिल जाता है और अंदर से आपकी स्किन हाइड्रेटेड और ग्लोई रहती है तो मेकअप भी बहुत अच्छा निकल कर आता है तो सेकंड टाइम इसको यूज़ करना है फेस वॉश करके सोने से पहले इसको तीन चार ड्रॉप्स इसमें ड्रॉपर आता है साथ में ड्रॉपर से आप तीन चार ड्रॉप्स ले सकते हो फिर उसको अपने फेस पर बहुत अच्छे से मसाज करना है सो दैट इट गेट्स इंटू योर स्किन आपको लगे ऑयल कम है थोड़ा सा और ले लो बट ये मसाजिंग स्टेप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सो दैट इट गोज डीप इंटू योर स्किन एंड पूरी रात आपकी स्किन हाइड्रेटेड रेड गिव यू अ वेरी नाइस ग्लो एज इज हंड्रेड परसेंट नेचुरल शुड डेफिनेटली ट्राई इट आउट इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी एंड द बेस्ट पार्ट इज इट इज वेरी वेरी अफोर्डेबल तो आपको डेफिनेटली चेकआउट करना चाहिए इसकी सबसे अच्छी बात यह ना तो इसमें मिनरल ऑयल है ना सिलिकेन है

लिंक डिस्क्रिप्शन में है गो चेक सो फॉर द फर्स्ट लुक आई हैव यूज दिस दुपट्टा बेस में मैंने क्या किया यहाँ पे मैं आपको दो ऑप्शन दे सकती हूँ सबसे पहले मैंने रेड कलर का ब्लाउज पहना वो मैंडेटरी है क्योंकि दुपट्टा जो है वो रेड शेड में तो मैंने उसका बेस कलर ले लिया है नाउ कमिंग ऑन टू द बॉटम मैंने पहनी एक रेड कलर की स्कर्ट अब यहां पे मैं आपको सजेस्ट करूंगी इफ यू डोंट हैव अ रेड कलर स्कर्ट देन इट्स ओके आप कोई प्लेन रेड कलर की साड़ी को ना ऐसे प्लीट्स बना के ड्रेप कर लो अंदर ही उसको पल्लू मत लेना उस प्लीट्स में ही पूरा पल्लू लेके उसको ड्रेप कर लो सिंपली कोई प्लेन कलर की साड़ी जो कि आपके दुपट्टे के बेस कलर से मैच करती हूँ। देन मैंने क्या किया है कि उसको साइड में टक किया दुपट्टे को और फिर उसको इस तरीके से साड़ी की तरह ले लिया तो मेरे पास तो स्कर्ट थी बट यहाँ पे आप साड़ी भी ऑप्ट कर सकते हो इफ़ यू हैव स्कर्ट देन इट्स वेल एंड गुड तो आप वो भी पेयर कर सकते हैं और मैंने गले में एक गोल्डन कलर का नेकलेस पहना है हाथ में बहुत सारे हैवी बैंगल्स पहने हैं विद ईयरिंग्स एंड दिस इज द फाइनल लुक इस तरीके से आप पुराने पुरानेवी लहंगे के दुपट्टे को री कर सकते हो जस्ट टेकिंग द बेस कलर इन द ब्लाउज एंड द स्कर्ट और साड़ी जो भी आपको चूज करना हो बट ब्लाउज तो आपको मैंडेट है कि आपको वही बेस कलर का लेना

ऊपर से मैंने पहना है वही सेम रेड कलर का ब्लाउज एंड ऑन द टॉप ऑफ इट आई हैव एडेड अ सिंपल ऑर्गेंजा जो कि इस गोल्ड टोन से मैच करे वो वाला दुपट्टा एंड दिस इज और इन सब को बैलेंस आउट करने के लिए पहने हैं, बड़े बे बड़े ईयरिंग्स आई डोंट वॉन्ट टू वेयर समथिंग इन द नेक अगर आप चाहो तो आप यहाँ पे नेकलेस को ही पहन सकते हो बट आई वॉन्टेड टू कीप दिस लुक थोड़ा सा ऐसा कि जो आपका ब्लाउज है वो हाईलाइटेड दिखाई दे सो so आई तो मैंने यहाँ पे नेकलेस नहीं पहना उसको डिच किया है सिर्फ ईयरिंग्स पहने हैं बड़े बड़े एंड विद द दुपट्टा एंड लहंगा ओ माई गॉड दिस लुक वॉज लुकिंग सुपर सुपर प्रिटी आई मीन कैन कैन ने लहंगे में एक ज आजकल का मॉडर्न ट्विस्ट है वो ऐड कर दिया जिसकी वजह से लहंगा बहुत ज्यादा सुंदर लुक दे रहा है तो इस तरीके से आप अपने पुराने हवी लहंगे को स्टाइल कर सकते हैं अगर लेकिन अभी थोड़े टाइम पहले का लहंगा हो तो डेफिनेटली उसमें कैन कैन होगी तो उसका बेस कलर का ब्लाउज लेके कोई मैचिंग दुपट्टा लेके आप इस तरीके से स्टाइल कर सकते हो बट अगर आपका काफी पुराना लहंगा है जैसे कि मेरे पास मेरी मासी का था जो मैंने स्टाइल किया है तो आप इसमें कैन can कैन का डेफिनेटली एड करना बहुत सुंदर लुक आया क्या होता है ना कि अगर आप ये सारी चीजें ब्लाउज भी वही पहन लो लहंगा भी वही पहन लो दुपट्टा वही पहन लो तो अच्छा तो वो लगता है लेकिन आपको खुद से एक ओल्ड फैशन वाइब बात है क्योंकि वो obviously पुराना वाला है तो आपको उसमें से फील नहीं आता तो इस तरीके से आप अपने लहंगे को आपको कुछ भी, you know, कुछ की जरूरत नहीं है कुछ यहाँ पे आपको अपने लहंगे में नहीं करवानी, आपका लहंगा दुपट्टा एकदम इंटैक्ट रहेंगे एक और टिप है, जो आपका है न, ये तो उस पर क्या करो कि जो बेस कलर है ना आपके ब्लाउज का वो सेम कलर की साड़ी लो प्लेन एकदम प्लेन और गेंजा मटीरियल ले सकते हो आजकल बहुत ट्रेंड में है उस पे कोई पतली सी लेस लगवा के वो ऊपर से पहन सकते हो क्योंकि वो डिजाइनर हैवी ब्लाउज रहेगा ना और प्लेन साड़ी बहुत ही खूबसूरत लुक देगी और आपका ब्लाउज रियूज भी हो जाएगा अनादर वे कि आप कोई सिल्क की क्रीम uh, कलर की साड़ी लो प्लेन क्रीम कलर की और उसको अपने ब्लाउज के साथ पेयर करो तो वो भी बहुत सुंदर लुक देगी अनादर लुक आप ऐसा क्रिएट कर सकते हो आप कोई प्लेन सैटिन की साड़ी ले लो जो बेस में है वो भी बहुत अच्छा पार्टी वेयर लुक देती है एंड आप चाहो तो एक एक्स्ट्रा बेल्ट भी सिलवा सकते हो यहाँ पे कमर पे लगाने के लिए तो वो डिजाइनर ब्लाउज और बेल्ट जब मैच करेंगे विद द प्लेन सेटन साड़ी तो वो भी बहुत सुंदर लगेगा तो ये हमने ब्लाउज के रिज आइडिया भी देख लिया मैं स्टाइल नहीं कर पाई क्योंकि ये बहुत प्लेन था बट हैवी ब्लाउज है तो आप ये वाले ट्रिक्स डेफिनेटली ट्राई करना नाउ कमिंग ऑन टू दर्ड लुक द्रिएटेड अगेन आई एव यूजा यहां पर मैंने क्या किया है कि मैंने अपनी स्कर्ट और उसको अटैच करके अनारकली बनाया बेसिकली मेरे पास गोल्डन अनारकली मिल नहीं रहा था मुझे यहाँ पे मैंने गोल्डन इसलिए लिया क्योंकि मेरे दुपट्टे में गोल्डन वर्क अगर आप देखो तो इसमें यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा पैच वर्क भी है गोल्ड का और उसके अलावा ये काफी गोल्डन शेड में है तो मैंने नीचे गोल्डन कलर का अनारकली पहन लिया है आप जो भी आपके लहंगे पे कलर है अगर सिल्वर वर्क है तो आप कोई लाइक सिल्वर टोन में कोई सिल्क में कोई सूट सिलवा लो प्लेन स्ट्रेट और उस पर नीचे प्लाजो बनवा लो स्लीवलेस वाला बहुत सुंदर लगेगा या फिर फुल स्लीव्स में अनारकली बनवा सकते हो या फिर कोई प्लेन गोल्डन अनारकली तो आपके दुपट्टे को हमेशा कॉम्प्लीमेंट करेगा ही करेगा सो वट आई डिड हेयर इस कि मैंने बेस को प्लेन रखा पूरा गोल्डन लिया दुपट्टे को साइड में ना लेके आप चाहो तो साइड में ले सकते हो बट मैंने थोड़ा सा ट्विस्ट दिया जो मैंने अभी रिसेंटली पिंट्रेस पे देखा था मैंने इसको गले में डाला पीछे टक किया यहाँ पर अपने कुर्ते में और ऊपर से एक बड़ा सा नेकलेस पहन लिया नाउ ये बहुत ही एलिगेंट लगता है और बहुत डिफरेंट भी लगता है वरना वो बेसिक सालों को जाओ अनारकली के ऊपर दुपट्टा वो तो आप सबको ही पता है बट फॉर अ ट्विस्ट आई डेड दिस एंड ये मुझे काफ़ी सुंदर लगा इससे क्या होना है? कि आपकी जो ये वाला पोर्शन है बहुत सुंदर लगता है और आपका वर्क जो है दुपट्टे का वो खूब हाईलाइटेड दिखाई देता है नीचे एकदम प्लेन बेसिक है दिस वे यू कैन स्टाइल योर दुपट्टा विद योर अनारकली प्लेन कलर का या फिर आपका चाहो तो रेड अनारकली भी सुंदर लगेगा ऊपर से दुपट्टा लेकर नेकलेस पहन लेना एंड यू आर सॉटेड चौथे लुक के लिए मैंने क्या किया है मैंने फिर से ये लहंगा लिया अपना एंड दिस इज़ अ वेरी नाइस लुक और बहुत कंफर्टेबल भी आप इसे कह सकते हो बट इट लुक्स वेरी वेरी नाइस तो मैंने यहाँ पे क्या किया है? कि सेम अब मेरा जो लहंगे का कलर है उस कलर की सिल्क की शर्ट ली है यहाँ पे इस तरीके की सिल्क की शर्ट आप चाहो तो सिलवा भी सकते हो कोई सेटन शर्ट भी ले सकते हो सेम टोन पर मिलनी चाहिए लेकिन गोल्डन नहीं होनी चाहिए वो अच्छी नहीं लगेगी जो आपके लहंगे में कलर है उसी कलर का आप कोई शर्ट लो ये जो मैंने ये वाला लिया है ये मैंने फैमिले इंडिया से लिया था बट ये अवेलेबल नहीं है मैंने अपनी शादी के टाइम पे खरीदा था ये अपनी मेहंदी फंक्शन के लिए बट अभी नहीं मिलेगा तो आप इस तरीके का कुछ स्टिच करवा लो या फिर ढूंढ के ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो तो ये वाला जो शेड है परफेक्टली मैचेज विद माई स्कर्ट जो लहंगे का स्कर्ट है मैंने कैन कैन इंटैक्ट रखा ऊपर से शर्ट पहना उसको अंदर टक इन किया फिर सारी ज्वेलरी को खोद खोद के मैंने निकाला अपना सबसे हैवी नेकलेस एंड क्चुअली चेंज द होल लुक मेरे पास ये बड़ा सा रानी हार पड़ा हुआ था जो कि मैंने बहुत समय पहले खरीदा था बट आई मुझे आज तक मौका नहीं मिला इसको स्टाइल करने का यूज करने का तो उसमें ही बहुत अच्छे से काम आया। क्योंकि शर्ट हमारी प्लेन थी लहंगा हैवी था तो मैंने गले में ऐड कर लिया कॉलर के अंदर से लिटल थोड़ा आपको टोन डाउन चाहिए मिनिमल चाहिए आप क्या कर सकते हो uh, कुन्दन के नेकलेस आते हैं लॉन्ग वाले सिंपल वाले थ्री लेयर वन लेर वाले तो वो आप यहाँ पे शर्ट के कॉलर के अंदर से एड करना और यह लहंगा पहनना तो बहुत ही ज्यादा सुंदर लुक लगेगा कोई पहचान नहीं सकता की ये लुक आपने पुराने लहंगे से क्रिएट किया और इस तरीके से आपकी शादी का लहंगा भी रीयूज हो जाएगा एंड नो बडी इज गोन आइडेंटिफाई की आपकी शादी का लहंगा सो दैट्स इट फॉर टुडे इस वीडियो आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा इफ यू वांट मोर सच काइंड ऑफ वीडियोस लेट मी नो इन द कमेंट्स टिल देन टेक केयर बाय बाय सी यू नेक्स्ट